जो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेंट्रल आइडिया, डस्ट ऑफ स्नो यानी धूल के कण का जो सेंट्रल आइडिया उसको देखेंगे, सिंपल भाषा में देखेंगे। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसको आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो यानी जो कविता डस्ट ऑफ स्नो है इस कंपोज बाई या इसके द्वारा लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। जो यह डस्ट ऑफ स्नो का जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट वॉज इन सैड मूड, पोएट का जो मूड है वह कैसा था, दुखी था। इट हैज़ बीन स्नोविंग सून ए क्रो कम, यानी उनका मूड जो है दुखी था तो इसी बीच एक कौवा आया। इट सूक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, और पोएट के सर के ऊपर क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो यानी जो है बर्फ के कण को गिराया। दिस चेंज हिज मूड, और इससे इनका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। इट रिप्रेजेंट, इससे यह मतलब यह रिप्रेजेंट करता है कि ए मोमेंट दैट सेम सम सिंपल्स, एक क्षण के लिए यह जो है एकदम सिंपल्स हो गया, बट लेकिन हैज़ लार्ज सिग्निफिकेंस, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में भी फेस, यानी हम अपने जीवन में फेस मतलब सामना करते हैं बहुत सारो एंड हैप्पीनेस यानी दुख और खुशी, यानी हम अपने जीवन में खुशी और दुख दोनों का सामना करते हैं, दोनों का सामना करना चाहिए। एवरीवन, प्रत्येक को शुड बी होपफुल फॉर बेटर मोमेंट, सभी को जो है होपफुल मतलब आशा रखनी चाहिए कि एक अच्छे दिन के लिए, यानी एक अच्छे जो है दिन के लिए या फिर अच्छे मोमेंट के लिए सभी को आशा रखनी चाहिए।